Thank you.
कि जिस तरह से भगवान अभी यहाँ पर सेतु का कार्य कर रहे हैं, किस तरह का सेतु यहाँ पर भगवान जो है समाज में विभिन्न वर्ग जो है उनको मिलाने को सेतु का कार्य। इसके संदर्भ में हम लोग इसके बारे में परशुराम जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और भगवान श्री राम जी का पहला मिलन परशुराम जी से जनकपुर में होता है। सो जनकपुर में जब भगवान का शिव धनुष को भंग कर दिए हैं और उस समय परशुराम जी आकर के वहाँ पर अपना क्रोध व्यक्त कर रहे हैं और अपने क्रोध को व्यक्त करते हुए परशुराम जी अपने आप को ब्रिज का या जो सेतु है उसका एक छोर मान लेते हैं। वो अपने आप परिचय देते हुए कहते हैं कि वो वास्तव में कौन है। अपना परिचय देते हुए वो कहते हैं कि वो क्या है, बाल ब्रह्मचारी अति कोही विश्वविदित क्षत्रिय कुल के विश्वविदित क्षत्रिय कुल के। तो अपने आप को ये बताते हैं कि मैं क्षत्रियों का विध्वंसक क्षत्रिय कुल का रोही। और अपने आप को क्या बताते हैं, बाल ब्रह्मचारी, अपने आप को एक ब्राह्मण कुल से एसोसिएट करते हैं। तो वो एक भाग बन जाते हैं और उनके साथ डिस्कशन चर्चा जब होती है तो उस समय लक्ष्मण जी दूसरा सिरा बन जाते हैं। लक्ष्मण जी दूसरा सिरा बन करके और वो क्षत्रिय को पकड़ करके बैठ जाते हैं। पर भगवान राम एक अलग ही परिभाषा देते हैं। वो कहते हैं कि यद्यपि किसी तथाकथित धर्म को उसे अपना स्वधर्म मान करके व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए, पर अगर युद्ध जैसी कोई सिचुएशन खड़ा हो जाता है तो उसको स्वधर्म की बाध्यता मान करके स्वीकार करना चाहिए, न कि जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि अगर युद्ध के लिए कोई नहीं मिला दुर्धर्म और क्षत्रिय कहे कि मेरा धर्म है युद्ध करना और युद्ध के लिए कोई नहीं मिला तो किसी सड़क चलते हुए व्यक्ति को पकड़ करके उसको अकार में युद्ध कर दे। ये क्षत्रिय का धर्म नहीं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। और जब परशुराम ने उनको ललकारा कि तुम इसी तरह से बातें करते रहोगे तो मैं तुम्हारे बातों में आने वाला नहीं हूँ, मुझे लगता है कि तुम भी तुम्हारे भाई की तरह से ही मूर्ख हो, केवल चिकनी चुपड़ी बातें कह रहे, चिकनी चुपड़ी बातें कह रहे हो। तो भगवान राम जी जो बताते हैं, हम लोगों ने कल उस पर स्टॉप किए, भगवान राम जी कहते हैं क्षत्रिय तरह समझ सका, अगर क्षत्रिय का शरीर धारण कर लिया है और अगर युद्ध अनिवार्य है तो युद्ध करेंगे, कुल कलंकते ही पार मर जाना। और क्षत्रिय होकर के अगर उसको कोई युद्ध के लिए ललकारता है, युद्ध की बाध्यता है, इसके बावजूद भी अगर वो व्यक्ति युद्ध को स्वीकार नहीं करता है, अपने स्वधर्म को स्वीकार नहीं करता है, तो वो नीच व्यक्ति है, अपने कुल को कलंकित करने वाला व्यक्ति है। फिर कहते हैं कहो स्वभाव कुल ही प्रसंगी, मैं तो अपने स्वभाव की बात कर रहा हूँ, मैं अपने क्षत्रिय कुल की पक्ष लेकर के उसको प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, क्षत्रियत्व की प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने स्वभाव की प्रशंसा कर रहा हूँ। अगर काल भी आकर के हमें ललकारता है तो रघुवंश में जन्म लेने वाले लोग जो है काल से भी वृद्धि नहीं होते। अगर आप हमें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं तो हम इस
मान्यता को स्वीकार करेंगे, पर यह हमारा स्वभाव नहीं है। यह छात्र धर्म की प्रशंसा थी, पर सेतु तो क्या है, हिलाने वाली कड़ी इसमें क्या है। भगवान राम ने कहा कि इतना होते हुए भी महाराज, वो परशुराम जी से कहते हैं कि आप हमें बार बार ललकार रहे हो, इतना होते हुए भी भिन्न प्रबंध सकी असि प्रभुता। ये भिन्न प्रबंध यानी ब्राह्मण कुल की तो यही प्रभुता, यही बड़प्पन है। अब है कोई चोट को नहीं ले रहा, जो ब्राह्मण कुल को डरता है तो वो अभय बन जाता है, उसको निर्भय बन जाता है। यहाँ पे समझने की बात, यहाँ पे किसी जाति से संबंधित कुल की बात नहीं कहा गया है। यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति समाज में जो हायरार्की है, समाज में जो स्तर बनाया गया है, सामाजिकता का जो स्तर बनाया गया, तो अगर कोई बड़े स्तर का व्यक्ति अगर छोटे स्तर के व्यक्ति को ललकार रहा है, तो उसका ये दायित्व नहीं है कि अगर वो उसके ललकार को स्वीकार नहीं करता है तो या उससे डर गया है, ये कहना। हाँ, ये उसको रिस्पेक्ट देने का भाव। पर अगर डरना ही हुआ, लड़ने की बाध्यता ही स्वीकार करनी हुई, तो हम लड़ने के लिए प्रस्तुत। तो कह रहे हैं कि विप्र कुल समाज में हायरार्की में श्रेष्ठ है, हायरार्की में श्रेष्ठ है, और हायरार्की में श्रेष्ठ होने के कारण बाकी दूसरे अन्य स्तर पर जो सामाजिकता के लोग हैं उनका कर्तव्य है कि ब्राह्मणत्व को सम्मान दें, और इसलिए हम उनको सम्मान देंगे। उनको सम्मान देने का अर्थ ये नहीं है कि हम उनसे है खाते, उल्टा उनको सम्मान देकर के हम अभय रहते हैं, उनको सम्मान देकर के हम अभय रहते। और ठीक इसी तथ्य को प्रकाशित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भी द्वारका में की लगाई, किसी को याद हो कहने लगे, इसी तथ्य को प्रकाशित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में की लगाई। द्वारका में आप लोगों ने सुना होगा कि एक राजा थे, उन्होंने इतना दान दिया था, उन्होंने इतना दान दिया था, लेकिन दान देने के बावजूद भी वो क्या बन गए थे, छिपकली बस गए। राजा ने उन्होंने इतना दान दिया था, पर दान देने के बावजूद उनसे छोटा सा मिस्टेक हो जाने के कारण वो क्या बन गए थे, छिपकली बन गए। उनसे मिस्टेक क्या हुआ था, उनसे गलती क्या हुई थी, उनसे गलती जानबूझ करके नहीं हुई, उनसे गलती जानबूझ करके नहीं, अनजाने में हुई। वो हर रोज ब्राह्मणों को हजारों गाय दान दिया करते, जो भी उनके दरवाजे पर पहले आता था उसको हजार गाय दान देते, गाय हजार हजार करके सोने चांदी से बढ़ा करके उसको दान दिया करते। एक दिन उन्होंने एक ब्राह्मण को दान दे दिया, जब ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहे थे तो उसमें से एक गाय भाग करके वापस उनके तबेले में आ गई, जहाँ पिताओ मांग था गाय के तबेले में वो वापस आ गई। ना तो राजा को पता चल सका, ना तो जो वो गौशाला की रक्षा करने वाले या गौशाला के जो सेवक थे उनको कुछ पता चल सका। जब नेक्स्ट डे वो गाय को दान देने के लिए दूसरे लॉट ऑफ गाय को लेकर आए, तो उस दिन उस गाय के लॉट में वो पहले दिन जो वापस आ गई थी गाय वो भी शामिल थी, और उसको उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया। जब वो ब्राह्मण को दान दिया और ब्राह्मण लेके जाने ही वाला था, तब तक पहला वाला ब्राह्मण जो है वो पहुंच गया वापस। उसने कहा कि महाराज मेरी एक गाय जा रही है, कल आपने जो मुझे दिया था वो एक गाय इस पे रह गई, और यही तथाकथित क्या पता नहीं कैसे पहचान लीजिए। कहा कि यही तथाकथित
का अर्थ है विवेक।
तो किसको जीतना चाहिए? जब शस्त्र की और शास्त्र की लड़ाई हो तो किसको जीतना चाहिए? हाँ, क्योंकि शास्त्र जीतेगा तो क्या होगा? संस्कार सुरक्षित रहेगा, है ना, ज्ञान सुरक्षित रहेगा। अगर शस्त्र जीतेगा तो क्या होगा? विध्वंस होगा, हेट्रेड उत्पन्न होगा। इसलिए भगवान क्या चाहते हैं कि शस्त्र ना जीते, शास्त्र जीते। और आप ब्राह्मण है तो मैं चाहूंगा कि शस्त्र की विजय, ये विजय का एक अलग डायमेंशन है। हम लोग हमेशा कभी भी विजय चाहते हैं, किसी भी सिचुएशन में हम पराजय नहीं चाहते, विजय चाहते हैं। पर कभी हम सोचते हैं कि हम किसकी विजय चाहते हैं? मैक्सिमम समय लोग अपने अहंकार की विजय चाहते हैं, है ना। अगर व्यक्ति के अहंकार का विजय होगा तो अहंकार और बढ़ेगा या छोटा होगा? और अहंकार का वर्धन होगा, अहंकार बढ़ेगा तो उसका परिणाम संसार के लिए क्या होगा? अगर अहंकार बढ़ेगा तो उसका परिणाम संसार के लिए क्या होगा? भगवान भी कहते हैं अहंकार मूल आत्मा करता अपनी बन लेते, उसके अंदर शालीनता नहीं आएगी, नम्रता नहीं आएगी, बुद्धि नहीं आएगी, वो हेट्रेड क्रिएट करेगा। अहंकारी व्यक्ति जो है केवल अपने लिए ही तो बेकार नहीं होता है, वो समस्त संसार के लिए बेकार होता है। रावण अहंकारी था, उसका परिणाम क्या हुआ समाज को? हिरण्यकश्यप वो अहंकारी था, उसका समाज को क्या परिणाम हुआ? हिटलर अहंकारी था, उसका परिणाम समाज को क्या हुआ? और आज भी अगर घर में भी एक छोटे से परिवार में भी कोई व्यक्ति अहंकार प्रदर्शन करे तो उसका परिणाम फाइनली क्या होगा? और कोई व्यक्ति देश में अहंकार प्रदर्शन करे, देश को चलाने का उसको दायित्व है, देश के समस्त लोगों को मिलाकर के चलने का उसका दायित्व है, और वही स्वयं अहंकार का शिकार हो जाए तो, वही स्वयं अहंकार का शिकार हो जाए तो क्या होगा? इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि शास्त्र की विजय हो, ज्ञान की विजय हो, शस्त्र की विजय न हो। और भगवान राम इस तरह से कह करके वो चाहते कि शस्त्र जीते, यदि शस्त्र जीत गया तो विवेक का स्थान गौण हो जाए, और विवेक का स्थान गौण हो गया तो समाज विनाश की ओर चला जाए। भगवान राम ने कहा कि महाराज लड़ाई में यह निश्चित नहीं होता कि कौन जीतेगा, लेकिन आप यही तो चाहते हैं ना कि विजय आपकी हो। हम आप युद्ध के लिए बार बार ललकार रहे, आप यही चाहते कि आपकी विजय हो, तो मैं स्वीकार करता हूं, मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूं, आपकी विजय हो, है ना। भगवान राम ने उनको स्ट्रेट क्या बोलते हैं उसको वॉक ओवर दे दिया, यू टेक यू बिकम विजय। सब प्रकार हम तुम सन हारे, भगवान कहते कि सब प्रकार से मैं आपसे हार गए, क्षमा देवता हमसे अगर कोई अपराध हो गया है तो उसको क्षमा की। भगवान राम ने जब इस तरह से परशुराम जी को कहना शुरू किया कि यद्यपि उनके अंदर अहंकार के कारण, रजोगुण की प्रबलता के कारण और क्रोध के कारण उनके हृदय के अंदर उनका ब्लड बॉइल हो रहा, वो बार बार युद्ध के लिए ललका रहे थे, राइट। लेकिन भगवान राम के ये शब्द सुनकर के उनके मन में थोड़ा परिवर्तन आ गया, उनके मन में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, अंतकरण में क्षत्रिय जाति के प्रति जो विद्वेष था वो धीरे धीरे अग्निग्रोत होने लगे, इसका उपशमन होने लगा। देखिए भीष्म के प्रसंग में वो जो अग्नि ठंडी हो गई थी, भीष्म के प्रसंग में उसमें और आग पड़ जाती है, डीजल पड़ जाती है, पेट्रोल पड़ जाती है ना। उन्होंने तो भगवान राम से कहा कि
मुझे एक डाउट आ रहा है, जब मुझे ये शक्ति आवेशित करके यहाँ पे ड्यूटी के लिए भेजा गया था तो मुझे ये धनुष जो है दिया गया था एक चिन्ह के रूप में, और मुझसे कहा गया था कि जब असली राम प्रकट होंगे तो ये धनुष पे जब वो प्रत्यंचा चढ़ा देंगे तो समझ जाना कि आपकी ड्यूटी खत्म। तो इसलिए उन्होंने कहा राम रमा कर धन ले रू हे चमचा मिटाए सब, हे रमापति प्रभु अगर आप रमा के पति हैं, आप ही वो हैं जिनकी मैं इंतजार कर रहा था, तो मेरे मन से ये संशय मिटाइए और ये धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाइए। तो भगवान राम ने उनका संशय मिटाने के लिए क्या किया, उनके द्वारा जो दिया गया धनुष था उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाया। ये तो स्टोरी, हाँ ये स्टोरी हमने रामायण में पढ़ी हो, पर यहाँ पे भगवान राम ने अपने इस व्यवहार से क्या कार्य किया, अपने इस व्यवहार से उनके हृदय के अंदर जो क्षत्रिय जाति के विरुद्ध, क्षत्रियत्व के विरुद्ध नहीं क्षत्रिय जाति के विरुद्ध, वो जाति का क्षत्रिय कुल द्रोही बन गए, क्षत्रिय कुल मतलब क्षत्रिय जाति के द्रोही बन गए थे, वो द्रोह धीरे धीरे उपशमन हो उसका उपशमन हो। लेकिन भगवान राम के उनको उपशमन कर देने के बावजूद भी परशुराम जी और भीष्म का जो प्रसंग है और उसके बाद जो कर्ण का प्रसंग है उसमें वो फिर से वो फिर से नासूर की तरफ से उखड़ गया और उनके अंदर से जो एक पक्षपात का जो भाव था वो फिर से नष्ट नहीं किया। आप लोग जानते होंगे काशी राज की तीन कन्याएं थी, है ना, यस, काशी राज की तीन कन्याएं थी जिनका विवाह रचने के लिए उन्होंने स्वयंवर की आयोजन किया था, और उस स्वयंवर में उन्होंने हस्तिनापुर नरेश को इनवाइट नहीं किया। तो हस्तिनापुर नरेश उस समय कौन थे, विचित्रवीर्य थोड़े कमजोर टाइप के थे, तो इसके लिए उनको इनवाइट नहीं किया। और हस्तिनापुर के राजमहल ने, हस्तिनापुर के राजगद्दी ने इसको हस्तिनापुर का अपमान, उस अपमान का बदला लेने के लिए भीष्म पितामह अकेले ही बिना इनवाइट किए काशीराज के राज में पहुंच गए। काशीराज में जब पहुंच गए और वहां पे जब स्वयंवर में गए तो स्वयंवर में उनको देख करके जो वहां पे अन्य राजा विराजमान थे वो लोगों ने तो पहले उनका अपमान किया कि देखो ये कहते हैं कि इन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि ये विवाह नहीं करेंगे, पर काशीराज की कन्याओं का सौंदर्य इनको यहाँ खींच गया और अब इनके प्रतिज्ञा पर इन्होंने पानी फेर दी, सब हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने, पर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मैं यहाँ पे अपना विवाह के लिए इस स्वयंवर में नहीं आया हूं, मैं इसलिए नहीं आया हूं कि काशीराज की कन्याएं मेरा वरण करें, मैं इस सभा में इसलिए बिना इनवाइटेड उपस्थित हुआ हूं क्योंकि काशीराज ने हस्तिनापुर को इनवाइट नहीं करके आमंत्रण न देकर के हस्तिनापुर का जो अपमान किया है उसका बदला लेने के लिए, और उसका बदला लेने के लिए मैं काशीराज की तीनों कन्याओं को लेकर के जाने चाहता हूं, लेकर के जाऊंगा, और अगर किसी भी उपस्थित राजा में और स्वयं काशीराज में शक्ति है सामर्थ्य है तो मुझे रोक दे। और ऐसा कह करके उन्होंने सारे राजाओं के मुकुट एक बाण से उतार दिए और काशीराज की कन्याओं को वैज्ञत कार भी चलिए चलते थे रथ में बैठे और रथ में बिठा करके उनको हस्तिनापुर लेकर के आए। हस्तिनापुर में ला करके उन्होंने उनका विवाह विचित्र वीर से करने के लिए माता सत्यवती को सौंप दिया। जब ये तीनों कन्याएं अम्बा अम्बे भर अम्बालिका इस
जिससे राधा माता से हमसे कन्या सत्यवती से कहने लगी कि माता, मैं डर के मारे विश्व पितामह जी को कुछ नहीं कह सकी, लेकिन मैंने अपने मन में विचार किया था कि मैं अपने स्वयंवर में चेली नरेश की राजा का नाम क्या शल्य को मैंने वरण करने के लिए अपने मन में ठान रखा था। मैं उनसे प्रेम करती हूँ, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तो तुमने इस चीज को पहले क्यों नहीं बताया। उन्होंने तुरंत बुलाया भीष्म, और भीष्म को बुलाने के बाद में भीष्म के सामने ये प्रसंग रखा। तो भीष्म ने कहा कि अगर इसने मुझे ये पहले बताया होता तो मैं इसको वहीं छोड़ करके आ जाता, मैं नहीं लाते। पर इन्होंने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। तो मुंडी नीचे की हुए कहने लगी कि मैं आपसे डर गई थी इसलिए आपको नहीं बताया। तो फिर उनको बड़े इज्जत से ब्राह्मण के साथ में शिशुपाल की सॉरी बार बार उसका नाम बन गया साल बनाते सालों के पास में भेज दिए। एक शल्य है और एक साल है। शल्य अलग है, शालो अलग है, साल ये सालों के साथ रखते हैं। उन्होंने उनके पास भेज दिया, लेकिन वहाँ सालों ने इसको अपना अपमान समझा। उसने सोचा कि एक अपहरण की हुई स्त्री से मैं विवाह ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा जाने का प्रश्न है। उसने अपना अहंकार नहीं छोड़ा, सिर्फ किसके लिए, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए वो जिससे प्रेम करने का ढोंग करता था उसको संरक्षण नहीं दिया, सिर्फ किस लिए, अपने अहंकार की रक्षा करने, सामाजिकता। अफकोर्स उसने कोशिश किया था भीष्म को रोकने का, लेकिन भीष्म के बालों के सामने वो टिक नहीं सका। तो वो भी अपमानित हो गया था कि मैं जिससे हार गया हूं उसी के भीख में दी हुई इस स्त्री को मैं कैसे स्वीकार कर सकता। तो अम्बा वापस आ गई, और जब अम्बा वापस आ गई तो उसने ये नहीं सोचा कि उसको न स्वीकार करने की गलती सालू की। उसने क्या सोचा, सालू ने मुझे इसलिए नहीं स्वीकार किया क्योंकि भीष्म ने मुझे अपहरण कर लिया, तो वो भीष्म के पास में जाकर के कहती है कि मुझे विचित्र वीर से विवाह करने की जरूरत नहीं, इच्छा नहीं, अगर मुझे तुमसे ही विवाह करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि तुमने मेरा जीवन नष्ट किया है, मैं तुम्हारा क्षत्रिय तो तुम्हारा व्रत को नष्ट कर दूं। तो उसने कहा कि तुम मुझसे विवाह करो, प्रपोज किया। पर उन्होंने कहा कि तुम जानते हो, पूरा जगत जानता है कि तुमने प्रतिज्ञा की है कि मैं विवाह के बंधन में नहीं बन सकता, इसलिए मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तो फिर वो बहुत दुखी हो गई, और बहुत दुखी होकर तो उसको किसी ने सजेशन दिया। वो बहुत सारे राजाओं से सहायता मांगने के लिए गई, लेकिन किसी ने सजेस्ट नहीं किया, हेल्प नहीं किया, ये सोच करके कि भीष्म से कौन लड़ेगा। तो उसको किसी ने सजेशन दिया कि भीष्म के गुरु जो है वो परशुराम जी, भीष्म के गुरु परशुराम है, और तुम परशुराम के पास में चले जाओ, अगर परशुराम जी कहेंगे तो ये शायद अपना विचार बदल। तो वो परशुराम के पास चले, परशुराम जी से जाकर के उनके पास में निवेदन किया कि आपके शिष्य ने मेरे जीवन के साथ इस तरह का खिलवाड़ किया, और आप मेरे सम्मान की रक्षा कीजिए, आप उनको मेरा पानी ग्रहण करने के लिए निर्देश दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ये, पर उसने तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि वो विवाह नहीं करेगा। कहा कि जब उसने ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि विवाह नहीं करेंगे तो मेरे मर्जी के खिलाफ मुझे अपहरण ही किया। उनको संभव होगा करके कन्विंस कर दिया। उन्होंने बोला ठीक है, चलो वो लेकर तो उनको हस्तिनापुर आ गया। हस्तिनापुर आने के बाद में डिटेल में स्टोरी बहुत लंबी है, वो हस्तिनापुर के अंदर एंट्री नहीं की, हस्तिनापुर के बाहर ही रह गए और वहां से मैसेज भेजे भीष्म को।
उन्होंने कहा कि देखो अगर तुम मेरी बात मान करके इनसे विवाह नहीं करोगे तो तुम्हें उनसे युद्ध करना होगा। और विष्णु पितामह ने कहा कि मैं आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ, आप मेरे गुरुदेव, आपसे मैं युद्ध कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि या तो आपके पास में दो ही ऑप्शन, या तो मुझे युद्ध करो उनसे और नहीं तो इसको स्वीकार करो। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कंडीशन में अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अपने शत्रुत्व का ये पकड़ लिया, वो भी एक पोर बन, वो भी एक पोर बन, और ये एक पोर बन के इन्होंने सिचुएशन को समझाई। एक स्त्री को हेल्प करने के लिए उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये स्त्री को हेल्प करने का दुष्परिणाम भविष्य में क्या होगा। जैसे सौंदर्य ऋषि जब यमुना नदी के जल में अंदर ये तपस्या करते थे तो उस समय गरुड़ जी, हाँ भगवान के वाहन जो गरुड़ जी हैं, वो वहाँ पे आते थे और मछलियों को पकड़ के खाया करते, दो चार दस मछलियों को पकड़ के खा लेते थे, तो उनका भोजन, हाँ तो मछलियों का हरकत तो बच जाता था जब वो आते थे। और मछलियाँ जो है वो बहुत दुखी होकर के इधर उधर भागने लगती थी, और सारी मछलियों ने मिल करके सौंदर्य ऋषि के पास गए और बोले क्या बचाइए प्राणी, और उन्होंने मछलियों को बचाने के लिए गरुड़ को क्या कर दिया, शाप दे दिया। गरुड़ को कहा कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम यहाँ पर मछली खाने के लिए आओगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, समथिंग शाप दे दिया। तो उन्होंने बोला ठीक है, अब नहीं है, मछलियों की कमी थोड़ी है, केवल ये यमुना के घर में ही मछलियाँ रहती हैं, मछलियाँ हर भी जगह पर रहती, कहीं भी जाके खा लेती है ना। तो वो नहीं आए, पर जब वो नहीं आए तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ, उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि कालियाना जो गरुड़ जी के डर से, उसको मालूम था कि गरुड़ जी यहाँ पे नहीं आए, तो वो आकर के उस हद में बस गया। और उस हद में बस करके उसने क्या किया, जो मछलियों में से दो चार दस को मछलियों को खा करके गरुड़ जी अपना पेट भर के चले जाते थे, बाकी की सुरक्षित रहती थी, अब वो सारी मछलियाँ इसके पॉइजन से मरने लगी। तो किसी के ऊपर उपकार करते समय व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि मैं जो उपकार कर रहा हूँ इस उपकार का परिणाम भी कुछ होने वाला है, वो कैसा होगा। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि सत्य बोलना है, सत्य का आचरण करना है, लेकिन सत्य का आचरण करना जो है वो अधूरा है, सत्य के आचरण का परिणाम जान करके उसका आचरण करना वो पूरा है, वो वास्तविक सत्य का आचरण करना है, वो धर्म का आचरण। तो परशुराम जी ने भी ये चीज नहीं सोचा, वो अहंकार में आ गए और अहंकार में उनका युद्ध हुआ। 28 डेज तक उनका युद्ध होता, 28 दिनों तक, 28 दिनों के बाद में परशुराम जी के जो पितृ लोग थे वो और बाकी सारे अन्य देवता भी आकर के इसको समझाने लगे कि देखिए इस तरह से आप चला और गुरु दोनों लड़े ये कोई अच्छी चीज नहीं है, इसलिए विनाश हो, तो इस विनाश से बचाने के लिए आप दोनों को तुरंत युद्ध बंद कर देना चाहिए। तो परशुराम जी को कहा गया युद्ध बंद करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि चेला को युद्ध बंद करना चाहिए, भीष्म को करो युद्ध से विरक्त हो। और भीष्म ने कहा कि मैं युद्ध से विरक्त नहीं हो सकता, अगर युद्ध से कोई विरक्त होगा तो सबसे पहले गुरु जी विरक्त होंगे, परशुराम जी को विरक्त होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय धर्म ये नहीं कहता है ना, भगवान ने भगवद गीता में कहा भी है क्षत्रिय का धर्म क्या है, सौर तेजो बलम धृति युद्धेच अपलायन, शास्त्र ई स्वभाव, शास्त्र धर्म स्वभाव, युद्धेच अपलायन, अगर युद्ध में कोई उसको ललकार दिया भले को मर जाएगा फिर भी वो युद्ध से विरक्त नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि अगर परशुराम जी अपना हथियार रोक लेते हैं तो मैं भी, तो परशुराम जी को लोगों ने समझा करके अंडर प्रेशर ला करके उनको अस्त्र संचालन से रोक दिया, उनको हार माननी पड़ी।
उस अहंकार के कारण जो कि भीष्म यहाँ पे फिर से उन्होंने गलती किया, जो गलती उन्होंने कार्तिकी अर्जुन के लिए किया था वही गलती उन्होंने भीष्म के लिए किया। अगर भीष्म दोषी थे तो भीष्म को शाप देते या भीष्म से जो कुछ करना था करते, है ना। जैसे कार्तिकी अर्जुन दोषी था तो उसको पनिशमेंट देते, पर उसके दोष के कारण पूरे क्षत्रिय कुल को दोष देना, क्षत्रिय कुल को पनिशमेंट देना, वो भी 21 टाइम पनिशमेंट देना, ये किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो न्याय संगत नहीं है। सो भीष्म के उसमें उन्होंने क्या किया, भीष्म के उसमें भी उन्होंने किया, उन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया कि आज से मैं किसी भी क्षत्रिय को शस्त्र विद्या नहीं सिखा। क्या प्रतिज्ञा लिया उन्होंने, किसी भी क्षत्रिय को शस्त्र विद्या नहीं सिखाओ। अरे एक क्षत्रिय से प्रॉब्लम हो गया, एक क्षत्रिय तो किसी क्षत्रिय से थोड़ी हारे, तुम तो एक व्यक्ति से हारे थे ना, विश्व नामक एक व्यक्ति से हारे थे, तो पूरे क्षत्रिय कुल के ऊपर ये दोषारोपण क्यों। आज से कुछ 100 वर्ष पहले कुछ तथा कथित कौम ने भारत के ऊपर बहुत सारे अत्याचार किए होंगे, पर उस अत्याचार का परिणाम आज के लोगों को देने का क्या मतलब है, उस अत्याचार का परिणाम उसका दुख जो है आज के लोगों को देने का क्या तात्पर्य। सेम विष्णु जी ने यही कार्य किया, सॉरी परशुराम जी ने यही कार्य किया, भीष्म से उनका क्रॉस था, भीष्म से उनका कंफ्रंटेशन था, सो भीष्म को सजा देना चाहिए, पर उन्होंने फिर से क्या प्रतिज्ञा किया, आज से मैं किसी भी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न व्यक्ति को शिक्षा नहीं दूं। और उसका परिणाम भी देखने को मिलता है, उनका दूसरा शिष्य था कर्ण जो है उनसे शिक्षा प्राप्त तो करने के लिए गया, तो जब उसको पता चला कि ये किसी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न व्यक्ति को शिक्षा नहीं देते, ऑफकोर्स कर्ण भी गफलत में था, डाउट में था कि वो एक्चुअली कौन से कुल का है, उसके गुण क्षत्रिय के थे, पर उसका पालन पोषण जो है वो एक सूत के घर में हुआ था, उसका पालन पोषण एक सूत्र के घर में हुआ था, उसके अंदर जो गुण थे वो क्षत्रिय के थे, तो वो संभ्रम में था, वो भ्रम में था, पर उसके अंदर ये एक कला, ये शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा थी, और उसने सोच रखा था कि ये मालकी है, तो उनको जाकर के उसने झूठ बोल कर कि वो क्षत्रिय कुल का नहीं है, सूत कुल का है या अन्य कुल का है, ये कहकर के उसने उनका शिष्यत्व प्राप्त कर लिया, उनसे शिक्षा लिया। और एक दिन जब परशुराम जी उसके जान के ऊपर अपने सर रख करके रेस्ट कर रहे थे, उसी समय एक कीड़ा आकर के जमीन में से निकल करके और कर्ण के जान को काटते लगा, और जो काटने नहीं लगा उसको सुराख बना करके छिद्र बना करके वो उसके अंदर घुसने लगा। तो अभी आप सोचो एक छोटा सा सुई घुसता है तो कितना दर्द होता है, एक कीड़ा अगर काट काट करके घुस रहा है तो कैसा लगे, दर्द तो होगा। मन उन्होंने सोचा कि अगर मैं दर्द के मारे ये जान को हिलाता हूँ तो गुरु महाराज की निद्रा भंग हो जाएगी, वो रेस्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए उसने वो दर्द को सहन किया और अपनी जान को हिलाया नहीं। लेकिन जब वो काट रहा था कीड़ा तो उसके काटने से खून निकलने लगा, खून निकल करके गर्म खून इधर उधर बहने लगा, तो जब गर्म खून परशुराम जी के शरीर को लगा तो वो हटा के उठ गया, उनको कुछ सेंसेशन मिला, वो उठ गए, उठ के उन्होंने देखा तो देखा कि इतना सारा खून बह गया है। उन्होंने पूछा ये खून कहाँ से आया, तो फिर उसने कहा कि कीड़ा काट करके शायद जान में घुस गया, तो उन्होंने बोला कि तुमको कीड़ा काट के जान में घुस गया है, इतना सारा खून बह गया, इसमें तो बड़ा भयानक पीड़ा होती है, तो फिर तुम हिले डुले नहीं, तुमको पेन नहीं हुआ क्या, कहा हुआ लेकिन से, तो उन्होंने कहा कि इतना पेन क्षत्रिय को छोड़कर के दूसरा कोई व्यक्ति झेल नहीं सकता, तो तुमने इतना पेन जो झेला है तो
तुम वास्तव में किस कुल के व्यक्ति हो मुझे बताओ। तब उसने अपनी सच्चाई जो है गुरु जी के सामने हाथ जोड़ करके अपनी सच्चाई व्यक्त कर दी। पर उन्होंने कहा कि ये जो प्रमाण दिखता है इस प्रमाण से लगता है कि तुम क्षत्रिय कुल के हो और तुमने मुझसे झूठ बोल करके ये शिक्षा ग्रहण की है। तो अगर कोई परशुराम जी के जगह कोई अलग दूसरा व्यक्ति होता शायद अच्छा सत्यगुण का व्यक्ति होता तो वही ये सोचता कि इसने झूठ बोला चाहे जो कुछ भी बोला पर किसके लिए बोला, शिक्षा लेने के लिए बोला है ना, शिक्षा लेने के लिए बोला, कुछ ज्ञान लेने के लिए बोला। तो उसके झूठ बोलने का जो ये गलती थी उसको माफ कर सकते थे है ना, माफ कर सकते थे कि नहीं कर सकते। और आप बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अगर उनको ये डाउट नहीं आता कि ये क्षत्रिय कुल का व्यक्ति है तो शायद माफ भी कर देते है ना, शायद माफ भी कर देते कि अगर उनको ये डाउट नहीं आता कि ये क्षत्रिय कुल का है। उनके हृदय के अंदर क्षत्रिय जाति से एक विरोध पैदा हुआ, क्षत्रिय जाति से एक विरोध बैठा हुआ है। और जैसे ही क्षत्रिय जाति का स्मरण आया उन्होंने तुरंत क्या किया, उसको शाप दे दिया, शाप क्या दे दिया, उसका विद्या ही छीन लिया। जो ज्ञान दिया था उसको कह दिया कि जब तुमको जरूरत पड़ेगी किसी काम की, ये कहकर के उसको छीन लेने जैसा हुआ। तो किसके कारण उससे छीन लिया, क्यों, क्योंकि उनको लगा कि ये क्षत्रिय कुल का व्यक्ति है, मुझसे झूठ बोल करके इसने विद्या सीख लिया। तो जो भगवान राम ने उनके हृदय से क्षत्रिय कुल के प्रति जो द्वेष की भावना थी उसको उपशमन कर दिया था, लेकिन भीष्म के केस में वो बढ़ गए और कर्ण के केस में वो सबके सामने प्रमाण के रूप में प्रज्वलित हो, प्रमाण के रूप में प्रज्वलित हो। सो उनके मन से अभी भी क्षत्रिय विरोध का भाव समाप्त नहीं हुआ। भगवान राम के दृष्टिकोण में विभिन्न वर्ग और आश्रम के लोग एक दूसरे के विरोधी ना होकर के एक दूसरे के पूरक होते हैं, इसलिए हर वर्ग और आश्रमों को कुछ ड्यूटीज निर्धारित किया। सो और इनफैक्ट भगवान ने बताया भी है कि चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुणकर्म विभाग से ये चार वर्ण और आश्रम जो है मैंने क्रिएट किया है, किस लिए क्रिएट किया है, अतः उनमें द्विजय श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग से संतुष्टित से स्वधर्म से संसिद्धि रहने को भगवान की संतुष्टि के लिए सब लोग अपनी अपनी योग्यता और अपनी अपनी क्षमता से मिल करके काम करें, एक दूसरे का सहयोग करके काम करें, एक दूसरे के सहयोग से कैसा बने सामाजिकता का अच्छा बढ़िया सुंदर भाव प्रस्तुत करें है। तो भगवान ने वर्णाश्रम को यह बनाया कि वर्णाश्रम में एक वर्ण दूसरे वर्ण का, एक आश्रम दूसरे आश्रम का पूरक होता है। जैसे आप जानते हैं आश्रम में गृहस्थ आश्रम जो है बाकी तीन आश्रमों को सस्टेन करता है ना, बाकी तीन आश्रमों को सस्टेन करता है। अगर गृहस्थ आश्रम नहीं होता तो क्या ब्रह्मचर्य को जो फैसिलिटेट करना है, जो शिक्षा के लिए जो और बाकी जो वो फैसिलिटी उपलब्ध कराना है, क्या उनका कल्चर उनका उनका अच्छी तरह से परवरिश हो सकती है, पालन पोषण हो सकता है, नहीं हो सकता। जो कमाने के योग्य नहीं रह गए वानप्रस्थ में चले गए, अब उनके पास से धनोपार्जन नहीं होता, धनोपार्जन नहीं होता है, लेकिन शरीर को संरक्षण करने के लिए शरीर को जीवित रखने के लिए उनको भोजन तो करना पड़ेगा, उनको शरीर तो चाहिए है ना, तो उनका रक्षण भी कौन करता है, सन्यासी जो समाज में चारों तरफ घूम घूम करके भगवत भावना का प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी अगर गृहस्थ हेल्प ना करे उनको सस्टेन ना करे ये काम कैसे सफल हो सकता है ना। तो एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है, गृहस्थ आश्रम को वानप्रस्थ अपना जो जीवन का एक्सपीरियंस है वो देकर के उनको सस्टेन करता है ना।
सन्यासी जो है वो भगवत शिक्षा दे करके या बाकी अन्य प्रकार की शिक्षा दे करके गृहस्थ आश्रम को, वानप्रस्थ आश्रम को और ब्रह्मचर्य आश्रम को सस्टेन करता है, उनकी वृद्धि करता है, वो अपने हिसाब से उनको सहयोग करता है। तो सब एक दूसरे के पूरक है, वर्ण और आश्रम दोनों एक दूसरे के पूरक है। उनके दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में विभिन्न वर्णों में टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। विभिन्न वर्गों में, विभिन्न जाति में, विभिन्न वर्ग और विभिन्न आश्रम में टकराव की स्थिति कभी उत्पन्न, और जो भी व्यक्ति सेतुत्व का भाव रखेगा वो कभी भी इनमें टकराव की स्थिति नहीं लाएगा। आज हम उल्टा देखते हैं, लोग अपने स्वार्थ के लिए इनको कभी जोड़ते हैं, इनको कभी लड़ाते हैं, केवल अपने कुछ स्वार्थ के लिए। वस्तुतः एक दूसरे की उन्नति के लिए कार्य होना चाहिए। परशुराम और राम के दृष्टिकोण का यह पार्थक्य, ये जो अलग अलग भाव है, उनके जो अलग अलग दृष्टिकोण है, खंडित धर्म और समग्र धर्म के अंतर को प्रकट करें। परशुराम जी का जो दृष्टिकोण है वो धर्म को खंडित करता है, वो सेतु को खंडित करता है। भगवान राम जी का जो दृष्टिकोण है वो उसके अंतर को पार करके उसको मिलाने का कार्य करता है, सेतु के निर्माण का कार्य करता है। परशुराम का व्यक्तित्व में सेतु का अभाव है। यद्यपि उनके चरित्र और काम, चरित्र में काम और लोभ जैसी वृत्तियां नहीं दिखाई देती हैं, फिर भी उनके चरित्र में सेतुत्व का अभाव है। फिर भी सौहार्द और शील के माध्यम से वे समाज के विविध वर्गों को जोड़ने के माध्यम नहीं हो पाए। उनके अंदर अच्छे गुण हैं, लोभ नहीं है इत्यादि इत्यादि, फिर भी वो समाज को जोड़ने का कारक नहीं बन सके। क्यों नहीं बन सके? क्यों? क्योंकि वो सेतु, उनके अंदर सेतुत्व तो नहीं है, उनके अंदर पृथकत्व है, उनके अंदर भेद बुद्धि है। वो एक पक्ष के पक्षधर हैं, वो एक पक्ष का उत्कर्ष चाहते, दूसरे पक्ष का उत्कर्ष नहीं चाहते। पर जो सेतु की धारणा रखता है जैसे भगवान राम, वो समस्त पक्षों का उत्कर्ष चाहते हैं। ये उनकी अपूर्णता है, जिसकी परशुराम जी भगवान राम अपने चरित्र के माध्यम से धर्म का वह स्वरूप प्रस्तुत करते हैं जो समस्त वर्णों और आश्रमों को एक दूसरे के निकट लाता है। अतः उन्हें धर्म सेतु संरक्षक की उपाधि सर्वथा सार्थक है। ये धर्म सेतु संरक्षक की उपाधि जो उनको दी गई है ये सर्वथा सार्थक है। भगवान राम भी क्षत्रियत्व का भाव लेकर के टकराहट की स्थिति में जा सकते, पर उन्होंने क्या किया? टकराहट को न स्वीकार करके जो मन के अंदर जो क्षोभ था उस क्षोभ को निकालने का कार्य। हम लोगों को भी इन सब चरित्रों को सुन करके अपने जीवन में इस तरह से जैसे एक बढ़ई है ना, लकड़ी को लेकर के वो चीजों से काट काट करके, या एक जो शिल्पकार है जो पत्थर को जो उसके पत्थर के अंदर अनवांटेड जो पोर्शन है उसको काट काट करके हल्के तरीके से काट काट करके निकाल करके क्या करता है, उसके अंदर जो मूर्ति है उसको प्रकट करता है। उसके अंदर जो मूर्ति है उस पत्थर के अंदर उसको प्रकट करता है। अगर वो एक जोरदार हैमर मारता, धीरे धीरे न मार करके जोरदार मारता है ना, तो क्या वो मूर्ति के अंदर जो जो पत्थर के अंदर जो मूर्ति मौजूद है उस मूर्ति को निकाल पाता? नहीं निकाल पाए। तो उसी तरह से हम सत्य का आचरण भले करें, लेकिन सत्य का आचरण अगर असत्य का प्रतिपादन करने के लिए, उसका परिणाम अगर हम भेद क्रिएट करने के लिए, अधर्म क्रिएट करने के लिए, लोगों के अंदर दूरियां बढ़ाने के लिए अगर हम उस तरह के सत्य का इस्तेमाल करते हैं तो ये सत्यानाश का मार्ग। व्यक्ति को विचार करके कार्य करना चाहिए। तो जिस तरह से वो शिल्प का पत्थर के छोटे छोटे जो अनवांटेड पोर्शन है उसको धीरे धीरे काम करते, उसी तरह से इन शिक्षाओं को हम चीजों के रूप में यूज करेंगे और सामाजिकता में अपने व्यवहार में हम उनको धीरे 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 जितनी भी हमारे अंदर दुर्गुण हैं, जितनी भी सामाजिकता के प्रति बुराइयाँ हैं जो हमारा भी नुकसान कर सकती है, समाज का नुकसान करती है,
ऐसे बुराई को धीरे धीरे प्रैक्टिस करके निकालना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके निकालना। कहा गया है श्रद्धा ही फुले ले और उपटन और हरी कथा। हरी कथा का उपटन और श्रद्धा का तेज, इसको लगा करके क्या करते हैं रगड़ रगड़। उपटन किसके लिए लगाते हैं शरीर में, जिससे शरीर का मैल जो है वो निकल। तो हरी कथा का उपटन और श्रद्धा का तेज, इसको ले करके शरीर में धीरे धीरे रगड़ रगड़ करके क्या करना है, अपने चरित्र को निखारना, अपने चरित्र को निखारना चाहिए। हम अगर ये करने में समर्थ हो गए तो हम अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने में समर्थ होंगे। और हम जब जवान जगत में आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इस जगत को अच्छी तरह से कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम इस जगत को अच्छी तरह से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस जगत में दो टाइप के लोग आते हैं, एक राम टाइप के लोग आते हैं और एक रावण टाइप के लोग आते हैं। रावण का समाज के प्रति क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है और राम का समाज के प्रति क्या, आप किसका पक्षधर बनना चाहते हैं, किसका चरित्र अपने जीवन में विकसित करना चाहते हैं। अपने जीवन में अगर हम राम का चरित्र विकसित करना चाहते हैं तो हमारे जीवन में जो रावणत्व है, जो रावण के विषय वस्तु है, उनको धीरे धीरे क्या करना है, दूर निकालना है, अपने जीवन से निकालना है, अपने जीवन से निकालना है। उसको निकालने के लिए आपको ये प्रैक्टिस करना है, श्रद्धा और देन हरी कथा, ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। ऑफ कोर्स उपटन अगर आपने मिर्ची का बनाया है ना, मिर्ची का भी उपटन बन सकता है, बन सकता है कि नहीं बन सकता, लाल मिर्च पाउडर। हाँ, अगर वो उपटन लगाएंगे आपके शरीर में क्या होगा, नहीं तो कथा भी सुननी है, किससे सुनना है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये ध्यान में रखने की बात। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान राम का चरित्र जो है उसको हमको इंस्पायर करना चाहिए और वो हम इंस्पायर करें तो हमारे जीवन को हम सफल बना सकते हैं। विश्वामित्र द्वारा भगवान राम को फिर से एक दूसरी कड़ी उठाते हैं। विश्वामित्र द्वारा भगवान राम को धर्म सेतु के संरक्षण की जो उपाधि दी गई उस पर एकाग्र और शांत चित्त से अगर हम विचार करेंगे तो उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भगवान राम के वास्तविक चरित्र को जान सकते हैं, हम भगवान राम के वास्तविक चरित्र को जान सकते हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द पार्टीज मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग हमारे देश में राम राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। राम राज्य की स्थापना करने का विचार गलत नहीं है, लेकिन राम राज्य की स्थापना होगी कैसे, राम राज्य चरित्र से बनता है ना, राम राज्य चरित्र से बनता है। और जो राम का राज्य बनाना चाहता है उसके अंदर ये राम के चरित्र नहीं है, राम राज्य हम कैसे बना सकते हैं, राम राज्य हम कैसे बना सकते हैं। किसी ने बहुत बढ़िया पॉइंट कहा कि हम आजकल ऐसा राम राज्य चाहते हैं जिसमें राम ना हो, है ना, राम ना हो, राम के बदले काम हो। पर कहा गया जहां काम नहीं जहां राम, राम है वहां काम नहीं, जहां काम है वहां। तो अगर राम के चरित्र को हम अपने जीवन में नहीं लाएंगे, एक एक व्यक्ति के चरित्र व्यक्ति के अंदर बनता है, राइट, और जब हर एक व्यक्ति उस तरह का बन जाएगा तो नहीं कोई अभूधन लक्ष्य नहीं बिना लोगों ने बोला था राम के राज्य में कोई अभूध नहीं है, अभूध मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको ज्ञान नहीं है। हम लोग ज्ञान के बारे में सोचेंगे तो हम सोचेंगे कि खाने पीने और कमाने का ज्ञान, वास्तविक ज्ञान क्या है, भगवत ज्ञान, वो भी एक ज्ञान है। भगवान कहते हैं हम सर्वस्य प्रभव भक्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः, वो बुद्धिमान व्यक्ति
कौन सा व्यक्ति अंतर्मुखता को महत्व देता है, कौन सा
इसी विषय को अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न किया है। अतः प्रश्न यह है कि संत का साहचर्य छोड़ करके एक बालक की आकांक्षा को पूर्ण किया जाए अथवा बाल आग्रह की उपेक्षा करके संत को अधिक महत्व दिया जाए। आपके सामने अगर ऐसी सिचुएशन आए तो आप क्या करेंगे? मुझे मालूम था यही आंसर देंगे है ना। और कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं बच्चों का हृदय भी रखना चाहिए, बच्चों का हृदय भी रखना चाहिए। तो हम दो पोल में खड़े हो गए तो क्या भगवान राम भी ऐसे ही करेंगे? ये है भगवान राम के सेतु का अक्षर। क्योंकि हमारे अंदर वो सेतु तो नहीं है इसलिए हम एक पोल में चले जाते तुरंत फट करके एक पोल को ये पोल पकड़ लेते हैं ये पोल है ना, एक किनारे पे खड़े हो जाते। लेकिन भगवान राम के अंदर वो ये भी चाहते हैं कि बालक की जो आकांक्षा है उसकी भी उपेक्षा ना हो हाँ, और सत्संग का जो महत्व है उसकी भी उपेक्षा ना हो, दोनों की उपेक्षा ना हो। तो कैसे करेंगे? सांप भी मर जाए और लाठी भी ना चले, उसके लिए बुद्धि चाहिए है ना, उसके लिए बुद्धि चाहिए। तो किंतु भगवान राम इन दोनों में सामंजस्य की स्थापना करते, बैलेंस क्रिएट करते, क्योंकि वे सेतु के समान दोनों को जोड़ने वाले, किसी एक का पक्ष लेने वाले नहीं। लक्ष्मण के प्रति राम के मन में इतना प्रगाढ़ प्रेम है, इतना अनुराग है कि वे उनके हृदय की आकांक्षा को बिना कुछ कहे ही समझ जाए। अफकोर्स कोई व्यक्ति अगर किसी से प्रेम करता है तो उसके हृदय की बात को इशारा मात्र से समझ जाए, इशारा नहीं भी करेंगे उसके एक्शन को देख के समझ जाएगा कि इसको क्या चाहिए। तो ये प्रेम का भाव है, अगर भावनाएं मिलती नहीं है तो आप इशारे भी करते रहो लोगों को समझ में नहीं आता। और जब उन्होंने अपने अनुज के मन की गति को जान लिया तो उनके मन में अंतर सत्ता हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्त के प्रति बड़े ही प्रेमल है, भक्त से प्रेम करना चाहते हैं। हाँ वत्सल, वत्सल क्यों कहा जाता है? वत्स यानी ये वत्सलता मातृत्व का भाव है। माता अपने बच्चे से वत्स वत्स से क्या करती है? उसकी हर इच्छा पूरी करना चाहती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चा जो है ऐसी उठपटांग इच्छा करता है कि माता को दुख होता है कि ऐसी इच्छा क्यों कर रहा, पर वो हर उसकी इच्छा पूरी करना चाहती है। यही गुण भगवान का है, भगवान अपने हर भक्त की इच्छा को पूरा करना चाहते। तो एक तरफ वशिष्ठ लक्ष्मण जो है उनके भक्त है, अनुज है उनके सेवा के, उसी तरह से विश्वामित्र भी तो भले गुरु के रूप में सेवा कर रहे हैं पर उनके सेवक ही तो है, तो उनके प्रति भी उनका अनुराग है। ऐसा नहीं है कि केवल एक के प्रति अनुराग है, उनका सबके प्रति अनुराग है। जैसे गोपियों के प्रसंग में आता है कुछ लोग ये प्रश्न करेंगे कि भगवान इतने लंबट क्यों थे, गोपियों को अपना तन मन अकेले उनको दे दी थी पर उनका तन मन एक जन को नहीं दिया हुआ, उनका तन मन कितने लोगों में बांटा गया था है ना। ऐसा नहीं कि उनका मन का भाव जो था केवल एक के प्रति था। इनफैक्ट यही बात जब श्री रामा ने राधा रानी से कहा तो राधा रानी ने श्री रामा को राक्षस बनने का खर्च कर दिया है ना। यही बात जब कही गई कि कृष्ण कहीं एक लेख के लिए लिमिटेड नहीं है, क्यों? क्योंकि कृष्ण समस्त संसार का, और अगर संसार के समस्त लोग उसके पास जाना चाहेंगे उसे आदान प्रदान करना चाहे तो किसको मना करे किसको ना करे है, किसको मना करे किसको ना करे। हाँ आदान प्रदान करने वाले व्यक्ति का भाव अलग अलग हो सकता, व्यक्ति का भाव अलग अलग हो सकता है, तो वो किस भाव को महत्व दे किस भाव को महत्व तो ना दे। तो इसीलिए ईश्वर कभी पक्षपाती नहीं बन सकता, ईश्वर हमेशा जिसका जैसा भाव रहेगा उसके भाव के अनुसार। क्यों? क्योंकि हर कोई व्यक्ति चाहे वो बेकार हो चाहे अच्छा हो चाहे
किसी और को ढूंढ लेते हैं, है ना, हम किसी और को ढूंढ लेते हैं, लेकिन कृष्ण की मजबूरी है, वो किसी एक का नहीं हो सकते ऐसे। तो इसीलिए जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, माँ बाप के अगर चार बच्चे हैं, पांच बच्चे हैं, तो क्या वो किसी एक बच्चे का हो सकते नहीं? आप खुद माँ बाप है ना, बहुत सारे लोग पता ही, अगर उनके चार पांच बच्चे हैं तो क्या किसी एक बच्चे का होकर के रहेगा? बाकी को लगा दे कर सकता है हा? एक बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, दूसरा बुद्धू है, थोड़ा सा मेंटली क्रैक है, कुछ भी उनको डाल सकता है, तो क्या माँ बाप उसको छोड़ दीजिए? माँ का कंट्री माँ बाप उस पर ज्यादा है ना। तो भगवान भी वैसे ही है, उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई, महर्षि विश्वामित्र से उनका गुरु और शिष्य का नाता है, उनके लिए उनके मन में सम्मान और लक्ष्मण के प्रति अगाढ़ अपनत्व है, अफकोर्स उनके प्रति भी अपनत्व है, वे महर्षि विश्वामित्र की ओर देखते हैं, महर्षि विश्वामित्र से कुछ कहते नहीं है, जस्ट उनकी तरफ एक टकटकी भरी निगाह से देखते हैं, किंतु कुछ कहने का साहस नहीं करते, क्यों? सम्मान का पाप। उनकी मुख मुद्रा को देखकर महर्षि विश्वामित्र स्वयं ही उनसे पूछ लेते हैं कि और तुम कुछ कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? तब वे उनसे कहने लगे, जब उन्होंने आज्ञा दिया, जब उन्होंने पूछा तो क्या कहना चाहते हो, तब उन्होंने कहा कि गुरुदेव अनुज लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, पर आपके डर के मारे कुछ कह नहीं पा रहे, आपके डर के मारे कुछ कह नहीं पा रहे, सो यदि आपकी अनुमति हो तो इनको नगर दिखा करके तुरंत वापस लेकर के आ जाओ। तो ऐसा पूछ करके उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा दायित्व गुरुदेव को छोड़ दिया, है ना। अब उन्होंने गुरुदेव को यह दायित्व क्यों छोड़ा? क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरुदेव का यह दायित्व इसलिए छोड़ा कि गुरुदेव हमारे मन की भावनाओं को समझ जाएंगे और मेरे छोटे भाई की जो अभिलाषा है उसको पूर्ण करने की अनुमति देंगे, जिससे जब उसकी अभिलाषा पूर्ण होगी, अगर कोई छोटा भाई है ना, बड़े भाई की सेवा करता सब कुछ करता है, और छोटे भाई का अपनी इच्छा है और बड़ा भाई पूरा ही ना करे, हाँ उसको खाली डांट पीट के काम ही लेता रहे, है ना, और बड़ा भाई होने का घास जमाता रहे, उसको छोटा भाई होने का उसका केयर ही ना करे, वो किस टाइप का बड़ा भाई है? वो किस टाइप का बड़ा भाई होता है? आजकल समाज में गड़बड़ देखा जा रहा है, गलत बात है, पर बड़े भाई को भी दायित्व तो निभाना चाहिए, पर भगवान राम इसको बड़े अनूठे ढंग से करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नगर दिखा इनको तो ले जाओ, अगर आपकी अनुमति हो तो इनको नगर दिखा करके तुरंत लेकर आप। महर्षि ये सुनकर के भाव विभोर हो गए और विचार करने लगे कि क्या ईश्वर को आदेश देने का उन्हें अधिकार है? वो तो जानते थे कि राम कौन है, साक्षात ईश्वर है, और ईश्वर क्या है? वो स्वराट होता है, राइट, ईश्वर स्वराट होता है, स्वराट का मतलब वो टोटल स्वतंत्र होता है, हाँ स्वराट का ये मतलब होता है कि उसके सिर पे किसी का आदेश नहीं काम करता, पर वो स्वतंत्र में सिर पर को वो किसी की बात मानने के लिए बाध्य नहीं है, हाँ पर वो स्वतंत्र, उसके सिर पर कोई नहीं, परम स्वतंत्र नसीब पर कोई। इसके बावजूद उन्होंने कहा लेकिन आप ईश्वर होकर के भी अगर मुझसे अनुमति मांगते हो, आदेश मांगते हो, ऐसा करके तुम एक मर्यादा की रक्षा कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप तो स्वतंत्र हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन ऐसा करके भी आप क्या कर रहे हो? एक मर्यादा की रक्षा करते हैं, है ना? लेकिन तुम्हारे स्वभाव की विलक्षणता क्या है? तुम्हारे एक ओर नीति है और दूसरे ओर
नीति है और दूसरी ओर प्रीति है, गुरुजनों के प्रति मर्यादा नीति कहलाती है और छोटे लोगों के प्रति जो स्नेह है वो प्रीति कहलाती है। तो आपके अंदर ये दोनों चीज देखने को मिल रहा है। रामायण जगत में ऐसा होता है कि व्यक्ति या तो नीति का आचरण कर पाता है या प्रीति का आचरण, है ना। नीति और प्रीति दोनों का आचरण करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, क्यों? क्योंकि अगर प्रीति है बहुत तो कभी कभी नीति उसके आगे आएगी, तो नीति को छोड़ेगी प्रीति को छोड़ेगी। अगर वो नीति का आग्रही है तो नीति को त्याग देगा, प्रीति का आग्रही है तो नीति को त्याग देगा, है ना। आप लोग प्रश्न उठाएंगे कि राम ने सीता को क्यों छोड़ दिया, ये प्रश्न अभी मत उठाना, बाद में नहीं। तो नीति और प्रीति ये दोनों में संतुलन उत्पन्न करना, संतुलन क्रिएट करना भगवान के स्वभाव की विलक्षणता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सुनि मुनि सकह वचन सप्रीति, बस राम तुम राख प्रीति, धर्म से तुम पालक तुम ताता, प्रेम विवस सेवक सुखदाता। यहाँ पे क्या क्या कहा है? प्रेम विवस सेवक सुखदाता, कष्ट राम तुम राखो नीति, है ना। और धर्म से यानी नीति और प्रीति दोनों को मिलाने वाला भगवान राम का ये चरित्र नीति और प्रीति को मिलाने वाला। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति जो भगवान राम के चरित्र को अपने जीवन में एम्बाइड करना चाहता है, उसको भी चाहिए कि नीति और प्रीति दोनों का पालन करे, दोनों का सम्मान करे, दोनों को मिलाए। ना तो नीति को प्रीति के आड़े आने दे, ना प्रीति को नीति के आड़े आने दे, बल्कि नीति और प्रीति को दोनों को एक दूसरे के लिए पूरक बना करके उनको दोनों को समाज के लिए और हर तबके के लिए लाभप्रद बना। ये है नीति और प्रीति के मिलाने की कसौटी। भगवान राम के चरित्र में धर्म की मर्यादा का संरक्षण, बाबा प्रेम की विलक्षणता है, दोनों की विद्यमानता और समन्वय कराने के गुण को देख करके ही विश्वामित्र जी ने उन्हें धर्म सेतु की उपाधि दी। सामान्यतः यह देखा जाता है कि जिसकी वृत्ति नीति परक है वे प्रीति की उपेक्षा करते हैं, और जिसकी वृत्ति प्रीति परक है वे नीति को कोई महत्व नहीं देते। परंतु भगवान राम नीति और प्रीति दोनों को स्वीकार करने वाले हैं, इसलिए सच्चे अर्थों में सेतु के समान और एक दूसरे को जोड़ने वाले हैं। भगवान राम का सेतु तो बड़ा विचित्र है, उनका जनकपुर आगमन भी उसी प्रक्रिया का एक अंग है। जिस ढंग से राम जी अपने व्यक्तित्व और चरित्र के द्वारा एक दूसरे को संधिकट लाते हैं, नीति और प्रीति को जिस तरह से जोड़ लेते हैं, महर्षि विश्वामित्र जी जनकपुर में भगवान राम के उसी स्वभाव को देखते हैं, उसी का दर्शन करते हैं और इसलिए उनको धर्म सेतु का उपाधि देते हैं। अब यहाँ पर नीति और प्रीति लक्ष्मण और विश्वामित्र के संबंध में आया और किस तरह से भगवान के दोनों में संबंध है, उनके इस लक्षण को देख करके विश्वामित्र जी ने क्या किया, सहस भगवान राम जी को, यद्यपि वो जानते थे कि भगवान राम को आदेश मुझे देने की योग्यता है या नहीं, पर उन्होंने सोचा कि मैंने जब गुरु का रोल स्वीकार किया है तो उनको आदेश देने की मेरे मतलब मुझे देना चाहिए ऐसे सर्विस, तो उन्होंने दिया और कहा कि ले जाओ जाए नगर, जा करके नगर दिखाइए और नगर दिखा करके सबके हृदय को प्रसन्न। तो केवल लक्ष्मण ही नहीं, पिछली बार मैंने बताया केवल लक्ष्मण ही नहीं, जनकपुर के लोग भी भगवान राम को देखना चाहते थे, जा ही देखिए आओ नगर, जा करके नगर देखे आइए और सबके हृदय को संतुष्ट कीजिए, सबके हृदय को सुखी कीजिए। उसी तरह से ये तो भाव का प्रसंग था, है ना। हम लोग एक विचार का प्रसंग
और विचार का प्रसंग है, जनकपुर में ही जनक महाराज और दशरथ महाराज, जनकपुर और अयोध्या दोनों को मिलाने में किस तरह से, एक्चुअली जनक महाराज जो है वो जनकपुर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दशरथ जी जो है वो अयोध्या को रिप्रेजेंट, दशरथ जी जो है अयोध्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किस तरह से, यद्यपि दोनों दो मुल्कों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो राज्यों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर उनके विचारों में कैसी भिन्नता है, उनके विचारों की भिन्नता उनके नाम से, उनके हाव भाव से पता चलता है। तो हम लोग इसका विश्लेषण करेंगे, विचार के क्षेत्र में, व्यवहार के क्षेत्र में, भावना के क्षेत्र में, आज समाज के क्षेत्र में सर्वत्र अगर देखें तो क्या विद्यमान है, करवाहट विद्यमान और मनोमाध्यम में चारों तरफ दिखाई देता है ना। राम जी जैसे व्यक्तित्व से ही समन्वय किया जा सकता है, ये टकराहट, ये मनोमान्य समाज से तभी निकल सकता है जब वास्तव में हमारे अपने जीवन में राम जी का चरित्र जो है वो प्रकट होता है। भगवान राम का चरित्र, भगवान राम का जनकपुर का प्रवास दो क्षेत्रों में, दो व्यक्तियों में और दो विचारों में एकीकरण का, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। पर चूंकि अभी 9 बज चुका है तो इसलिए हम लोग इसके ऊपर कल विचार करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि महाराज दशरथ, नाम उनका जो है दशरथ, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं और जनक जिनको देह कहा जाता है, एक देहधारी है और एक विदेह है, तो ये दोनों के नाम और जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका चरित्र होगा, क्योंकि आज के जमाने में नाम और चरित्र कैसे नहीं होते, पर पहले जो नाम दिए जाते थे वो चरित्र के अनुरूप। तो इन चरित्रों में क्या विलक्षणता है, इन चरित्रों में क्या विरोधाभास है, इन चरित्रों को कैसे एकीकरण किया जा सकता है, इन विचारों का कैसे एकीकरण किया जा सकता है, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शिवरात्रि, हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न? प्रभुजी, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ जो फेज होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसकी क्या क्या, उस फेज में क्या करना चाहिए, वानप्रस्थ फेज में क्या करना चाहिए, ड्यूटीज क्या होती है, किस तरह से गृहस्थ से किस तरह मानफेज में ट्रांसमिशन होना चाहिए। नाइन टाइप ऑफ प्रोसेसेस दिए गए हैं, अगर गीता में इसके बारे में बताया गया है तो बताया गया है कि हर एक आश्रम और हर एक वर्ग का ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित है। तो कहा गया है ज्ञान आस्तिक्य, ज्ञान तप दान क्या, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पर इनवर्टेड ज्ञान मुझे याद आएगा, पर उसमें जो ज्ञान अर्जन करने का दायित्व है ये ब्रह्मचारी आश्रम का दायित्व है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ही व्यक्ति को ज्ञान अर्जन करने का चाहिए। उसी तरह से तीन गुण बताए गए हैं जो गृहस्थ आश्रमी को पालन करना चाहिए, उसका कल्टिवेशन करना चाहिए, दान उसमें से। और तीन गुण बताए गए हैं जो मैं आपको कल स्लो कर बताऊंगा, तीन गुण बताए गए पूछ लेने का, तीन गुण बताए गए हैं जो वानप्रस्थ जो वानप्रस्थ आश्रम के लोग हैं उनको पालन करना चाहिए, और तीन गुण हैं जो सन्यासी के आश्रम में जो है उसको कल्टिवेट करना चाहिए। तो ये विभाजित है, उसमें से वानप्रस्थ के लिए बताया गया सबसे पहला तप, उसको तपस्या करके
तपस्या करना, तपस्या करके अपने जीवन का शुद्धिकरण करना उसके जीवन का या मानप्रस्थ आश्रम का लक्ष्य। तो तपस्या क्या कहलाता है? जान बूझ करके अपने जीवन में कुछ असुविधाओं को स्वीकार करना जिससे कि हम किसी उच्च लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। उच्च लक्ष्य की प्राप्ति है तो जान बूझ करके कुछ असुविधाओं को स्वीकार करें। घर, पैसा, ये इत्यादि जो है ये सारी चीजें क्या है? सुविधाएं हैं, राइट? और जान बूझ करके असुविधाएं स्वीकार करने का मतलब क्या हुआ? घर छोड़, जब घर में नहीं रहेंगे तो घर के बाहर रहेंगे तो असुविधा क्या होती पता चले, है ना? लोग घर के बाहर भी जाते हैं तो जगह जगह पर होटल ये वो देख करके हमको एसी रूम ही चाहिए, हमको ये टाइप की गाड़ी चाहिए, हाँ, हमको ये फैसिलिटी चाहिए, वो फैसिलिटी, मतलब सुविधाओं का त्याग करना नहीं चाहिए। तो वानप्रस्थ जीवन में सबसे पहले सुविधाओं का त्याग करके अपने जीवन का शुद्धिकरण और मैं वो जो आपको स्लो बताऊंगा उसके से जो तीन पॉइंट्स है उसको डिटेल में समय समझाऊंगा आपका इसी समय क्वेश्चन है। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत स्वागत है आज के पांचवें दिवस रामकथा में। और अब पूजनीय श्यामचरण प्रभु जी का बहुत आभार व्यक्त करेंगे जिनके मुखारविंद से हम ये रामकथा का रसपान कर रहे हैं। समय के अभाव से हम ये कथा ज़्यादा लंबे समय तक नहीं सुन पाते, लेकिन वी आर फॉर्चुनेट कि हमें प्रभु जी का स्थान रविवार तक मिलेगा। तो हम उनका आभार व्यक्त करेंगे एक बार हरि ओम बोल के। उसके पश्चात हम प्रसाद के लिए प्रस्थान करेंगे।